हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ मैं फार्मा सेक्टर के स्टॉक की। तेज़ी लगातार स्टॉक में बनती नज़र आ रही है दोस्तों, और इसमें टारगेट भी बहुत ऊपर के देखने को मिल रहे हैं। अच्छा स्टॉक है दोस्तों, लॉन्ग टर्म का यदि आपने नज़रिया बनाया तो ये स्टॉक पैसा बना के आपको दे सकता है। तेज़ी के संकेत दिख रहे हैं लॉरस लैब के स्टॉक में, तो गिरावट में ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। चुके हैं दिग्गज कंपनी जो कि फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती है, लॉरस लैब। बहुत हैवी हैवी टारगेट दोस्तों इसके ऊपर आ रहे हैं, तो आप रहिएगा वीडियो में, आपको वो भी पता चलेंगे। और साथ ही साथ अच्छी तेज़ी आज के दिन बनती देखने को मिली है, दोबारा तेज़ी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। BSE NSE दोनों पे ये स्टॉक है, और अच्छा खासा दोस्तों जब से लिस्ट हुआ है रिटर्न देता चला जा रहा है। 371 रुपये पे आज क्लोजिंग हुई है स्टॉक की, करीब 2.48 मतलब 2.5% की तेज़ी रही। प्रीवियस क्लोज 363 था, आज ओपनिंग 366 पे हुई। दिन का हाई 377, वहीं दिन के लो की बात करें तो 365 रुपये का लो भी लगाया है लॉरस लैब के स्टॉक ने। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है, निवेशकों को इसने भरपूर रिटर्न कमा के दिया है, खासकर इस साल के अंदर। वैसे तो कंटिन्यू रिटर्न दे ही रहा है अच्छा, लेकिन इस साल इसने बहुत ही शानदार रिटर्न कमा के दिया है। तो 20 जनवरी को जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 371 रुपये पे लॉरस लैब NSE पे क्लोज हुआ है। वॉल्यूम आप देख लीजिए, 38,52,975 शेयर गिरे हैं। फेस वैल्यू स्टॉक की 2 रुपये की है, क्योंकि अभी हाल में ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था। 56 रुपये का 52 वीक लो है, हाई की बात करें तो 377 रुपये का देखने को मिला है, जो कि इसने आज के दिन ही हिट किया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी बहुत ही शानदार है। हालांकि थोड़ा सा इसके स्टॉक जो है भी एक प्रॉब्लम है, प्लेज में है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ स्टॉक प्लेज करने की वजह कुछ कंपनी का घाटा ही नहीं होता। कभी कभी कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंशन करना होता है तो भी प्लेज करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं, स्टॉक बीते साल भर में 361% चला है। वहीं 19,827 करोड़ का मार्केट कैपिटल, तो मिड कैप का स्टॉक, और 32.59 के PE पे फिलहाल ये कंपनी कामकाज करती नज़र आ रही है। तो दोस्तों, इस स्टॉक को नज़र में रखिएगा, और टारगेट इसके ऊपर बहुत ऊपर के आ रहे हैं, बस आप वीडियो में बने रहिए। और जो भाई लोग पहली बार जुड़े हैं हमसे, वो लोग सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर। आइए इसका सेल होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, जो कि दिसंबर क्वार्टर का आ चुका है। तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है, उन्होंने लगभग 3.39% की होल्डिंग हटाई है, और इसमें दोस्तों करीब 28.73% का स्टेक है। FII ने भी थोड़ी होल्डिंग इसमें लगभग 1% की होल्डिंग बेची है, तो 19.92% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने भी लगभग 1% की होल्डिंग बेची, तो 2.41% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो दोस्तों 47.27% की होल्डिंग, 6% उन्होंने सीधा बढ़ाया, 6.5%। वहीं अगर DII की आप बात करें तो 1.67% की होल्डिंग देखने को मिलती है लॉरस लैब के स्टॉक के अंदर। मेजोरिटी शेयर होल्डर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। वहीं बात किया जाए तो प्लेच मोटर होल्डिंग की बात, तो करीब करीब 15.5% की होल्डिंग गिरवी है अभी भी। म्यूचुअल फंड की 15 स्कीम का पैसा 2.41%, FII की 170 स्कीम का पैसा 19.92%, प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग दोस्तों 17.55%, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर 5.13% का स्टेक रखते हैं। और हम आप जैसे जो रिटेल निवेशक हैं, मतलब आम जनता, करीब 33.78% की स्टेक के साथ लॉरस लैब के स्टॉक में बैठी हुई है। दोस्तों, स्टॉक को नज़र में रखिएगा, बहुत दिन से चल नहीं रहा, अच्छा खासा मोमेंटम नहीं मिल रहा, लेकिन चाल शुरू हो गई तो दोस्तों ये रुकेगा नहीं, और टारगेट भी इसके काफ़ी ऊपर के हैं। तो आइए पहले आपको इसकी रिटर्न की प्रोफाइल दिखाएंगे, फिर जो टारगेट सेट किए जा रहे हैं इसके लिए वो दिखाएंगे। तो दोस्तों, आ चुके हैं लॉरस लैब स्टॉक की रिटर्न की प्रोफाइल। आज के दिन दोस्तों 2.45% तेज है, एक हफ्ते में 6.87% चला है, महीने भर में 5% ज़्यादा की तेज़ी रही, 3 महीने में दोस्तों 11.25% की रैली, 6 महीने में दोस्तों बम्पर रिटर्न 185% के, 2021 की शुरुआत से अब तक 5.32% के रिटर्न दिए हैं। बीते एक साल में 361% से ज़्यादा ये चल चुका है, और 2 साल में 395% के रिटर्न, 3 साल में 242 और 4 साल में दोस्तों 290% के शानदार रिटर्न लॉरस लैब का स्टॉक अपने निवेशकों को दे चुका है। तो नज़र में रखना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती दोस्तों, तो स्टॉक को इसको नज़र रखो, इसमें शानदार पैसा बनने की पूरी उम्मीद है दोस्तों।
और बहुत ही शानदार कंपनी है, लगातार इम्प्रूवमेंट स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। दोस्तों लॉरस लैब के स्टॉक के ऊपर के हम टारगेट देखने के लिए आ चुके हैं अभी टिकर टेप की साइट के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन साइट है दोस्तों, आप लोग विजिट कीजिए। इसमें 7 एनालिस्ट इस स्टॉक को दोस्तों ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें 57% की बाई की कॉल दी गई है इसके ऊपर। तो आइए अभी देखेंगे कि आगे 1 साल के लिए इसके लिए क्या टारगेट सुझाए जा रहे हैं। तो दोस्तों जो मार्केट प्राइस आपको दिख रहा है इसमें 363 रुपये, ये कल का प्राइस है। कल के प्राइस से दोस्तों करीब करीब 34% का जंप, 35% का जंप है। 487 रुपये की अपसाइड देखने को मिल सकती है, ये फोरकास्टिंग की गई है जनवरी 2022 के लिए। और प्राइस की मीडियम की बात करें तो 365 रुपये पे, जो कि वहाँ पे चल ही रहा है। और बात करें लोअर साइड की तो दोस्तों 270 रुपये के आसपास, मतलब यहाँ से लगभग 26% का डाउनफॉल देखते हैं लोग। तो दोस्तों स्टॉक शानदार है, नज़र में रखिए, लगातार पैसा बनाता चला जा रहा है। नहीं ज़्यादा तो आप थोड़ा ही पैसा स्टॉक में लगा के भूल जाइए, बढ़िया पैसा आपका बना सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।